हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं पवन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सीमेंट। जी हाँ, आज हम जानेंगे सीमेंट के बारे में कि सीमेंट क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं सीमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सीमेंट होती क्या है। दोस्तों, सीमेंट अलग अलग प्रकार के सैंड, जिप्सम, पोजोलोना, क्ले, इनसे को हाई टेम्परेचर पे बर्न करके और ग्राइंड करके जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट है। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट है जो सबसे पहले मिस्र के अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम बात करते हैं सीमेंट की हिस्ट्री के बारे में। तो जी हाँ, सबसे पहले मिस्र के अंदर जिप्सम को जला के एक प्रोडक्ट, एक राख तैयार की गई थी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज की गई, जिसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया और इसको काफी लोगों ने पसंद किया। इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी को देखते हुए जो इसकी सबसे प्रीमियम ताकत थी। बाद में इसके रोम वासियों और यूनानियों ने इसके अंदर कुछ और केमिकल्स, कुछ और पत्थर ऐड किए जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और ये और ज्यादा पॉपुलर हो गई। बाद में इसको और रिफाइन किया गया और रिफाइन किया गया और ये हर जगह फिर यूज होने लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसका निर्माण सबसे पहले जोसेफ एस्प्रिन ने किया था, जो उन्होंने 21 अक्टूबर 1824 को जो सीमेंट है उसे पेटेंट करवा दिया अपने नाम से, क्योंकि उन्होंने मिस्र की टेक्नोलॉजी, जो मिस्र ने खोज की थी जिप्सम, रोम और यूनानी, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए अपनी लैब में एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, सॉरी, ऐसा प्रोडक्ट निर्माण किया जिसको आज हम सीमेंट कहते हैं। तब से लगातार प्रयासों के बाद सीमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ चीजें ऐड की गई, कुछ निकाली गई, रेशियो ऑफ मटेरियल्स उस पर ध्यान दिया गया और उसके बाद केमिकल और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाया गया, जो घटाना था उन्हें घटाया गया और आज एक बेहतर प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो एक फाइन प्रोडक्ट है। पर आज भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं जो इसकी वर्कएबिलिटी को बढ़ाने के काम आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सीमेंट के टाइप्स के बारे में कि सीमेंट कितने प्रकार की होती है और वो क्या क्या काम आती है और कहाँ कहाँ काम आती है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीमेंट के टाइप्स। जी हाँ, सीमेंट कितने प्रकार की होती है। तो इसका सीधा सरल सा जवाब है कि सीमेंट लगभग 14 प्रकार की होती है। जी हाँ, 14 टाइप्स ऑफ सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टाइप की सीमेंट होती है और वो क्या क्या इस्तेमाल आती है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी ओपीसी। जी हाँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो बेसिकली हमारी क्रैक्स एंड ड्राई श्रिंकेज के लिए इस्तेमाल होती है। ये हम लोग घरों में इस्तेमाल कर तो लेते हैं बट ये ज़्यादा कारगर नहीं होती है घरों के लिए। ये कॉन्क्रीट वगैरह में नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होती है। अब जो दूसरे नंबर पे आती है वो है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जी हाँ, ये वो सीमेंट होती है जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। इसकी लगभग जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की ताकत जो लगभग 28 दिन में आती है, वो इसकी ताकत लगभग 7 दिन में ही हमें मिल जाती है। और ये जो इस्तेमाल होती है वो डैम, ब्रिज में, जो हम वाट और जहाँ हमें जल्दी हार्डनिंग चाहिए होती है वहाँ इस्तेमाल होती है ये सीमेंट। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो हमारी सीमेंट है वो है लो हीटेड सीमेंट। जी हाँ, ये ओपीसी से कम कारगर होती है और ये नॉर्मली
वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ गर्मी कम होती है। जी हाँ, ये लो हीटेड सीमेंट होती है और इसके अंदर 3C प्रोडक्ट्स को मिला के ये बनाई जाती है। तो अब जो चौथे नंबर की सीमेंट है वो है हमारी सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जी हाँ, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट हमारे चौथे नंबर की सीमेंट है। और इसके अंदर मैं आपको बात करूँ तो ये 5% से नीचे की 3CA के प्रतिशत को बनाए रखने के द्वारा निर्मित है। और इस प्रकार की सीमेंट का उपयोग जहाँ किया जाता है वो है जहाँ संरचना गंभीर सल्फेट हमलों जैसे कि मिट्टी, समुद्री स्थिति, सीवेज उपचार के टैंकों की स्थापना में पटवन होता है। यानी कि ये जो सीमेंट होती है वो आपकी इस्तेमाल होती है वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली सल्फेट का कनेक्टिविटी होती है। चौथी नहीं, पांचवी सीमेंट जो है वो हमारी है हाई एलुमिना सीमेंट। जी हाँ, हाई एलुमिना सीमेंट जो होती है इसके अंदर जो एलुमिना की परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करीबन 35% होती है। और ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका सीमेंट के साथ एलुमिना की अधिक मात्रा में जिस प्रोडक्ट के अंदर होती है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसका एलुमिना के साथ। तो ये जैसे भट्टियाँ हैं, अपने बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, ईंट के भट्ठे होते हैं, वहाँ भट्टियों में बेसिकली ये सीमेंट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद होती ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। जी हाँ, इस प्रकार की सीमेंट सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट से भी सस्ती होती हैं, यानी OPC से ये सस्ती होती हैं। और यह कम गर्मी के लिए विकसित की होती है, जहाँ कम गर्मी होती है वहाँ ये सीमेंट बेसिकली यूज़ होती है। और इसमें कम तेज ताकत होती है, यानी ये गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ पे थोड़ा बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका, वहाँ ये सीमेंट इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं कलर्ड सीमेंट की। तो दोस्तों, कलर्ड सीमेंट सीमेंट का वो प्रारूप होता है जिसके अंदर कलर्स मिलाए जाते हैं और ये बेसिकली डेकोरेशन के काम आती है ये वाली सीमेंट। ज़्यादा इसके अंदर ताकत नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, बट ये सीमेंट काम आती है डेकोरेशन के लिए। अब बात करते हैं पोजोलोना सीमेंट की। जी हाँ, पोजोलोना सीमेंट ये आठवें नंबर की सीमेंट है हमारी। पोजोलोना सीमेंट जो होती है उसके अंदर पोजोलोना की मात्रा बहुत अधिक होती है। OPC के अंदर जब पोजोलोना मिला दिया जाता है तो ये PPC बन जाती है, जिसे हम पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। और इस प्रकार की सीमेंट जो होती है वो बांधों में, वीरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे टनल बनानी है, बांध बनाने हैं, डैम बनाने हैं, उनमें ये सीमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब बताते हैं 9वें नंबर पे जो हमारी सीमेंट है वो है एयर एंट्रिंग सीमेंट। आमतौर पे ये ऐसी सीमेंट होती है जिसके अंदर यूज़ करने से इसके पोर्स बंद होते हैं बिल्कुल, और एयर भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। और नॉर्मली OPC या PPC सीमेंट हो सकती है जिसके अंदर कुछ ऐसे रसायन ऐड किए जाते हैं जो इसके पोर्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब जो 10वें नंबर की हमारी सीमेंट है वो हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ये बेसिकली जो सीमेंट है वो एक वाटरप्रूफ सीमेंट होती है जो वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ आप पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अब जो हमारी 11वें नंबर की सीमेंट है वो है एक्सपेंसिव सीमेंट। जी हाँ, ये सीमेंट बहुत महंगी होती है और ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? वहाँ पे ऑर्डिनरी सीमेंट के अंदर कुछ ऐसे घटक मिलाए जाते हैं जिससे कम पानी में भी ये अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से गेन कर सके। ये ज़्यादातर उष्ण जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ इस्तेमाल होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ये सीमेंट यूज़ होती है। अब 12वें नंबर पे जो हमारी सीमेंट है वो है वाइट सीमेंट। जी हाँ, वाइट सीमेंट सीमेंट का वो रूप होता है जो बेसिकली कलर सीमेंट की तरह, डेकोरेटिव सीमेंट्स की तरह यूज़ होता है। ये टाइल में ग्राउटिंग के लिए यूज़ होता है। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे घटक मिलाए जाते हैं जिससे ये इसका रंग रूप सफ़ेद हो जाता है। वाटरप्रूफ सीमेंट ये हमारी 13वें नंबर पे 13वीं प्रकार है वाटरप्रूफ सीमेंट। ये ऐसी सीमेंट होती है जिसके अंदर
पानी नहीं रिसता है। जी हाँ, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है। इसके अंदर कुछ ऑर्डनरी ओपीसी सीमेंट के अंदर कुछ ऐसे घटक मिलाए जाते हैं जिससे वो वाटरप्रूफ एजेंट के रूप में काम करती है। ये ऐसी जगह इस्तेमाल की जाती है जहाँ हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स में ये सीमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ऑयल वेल सीमेंट, जी हाँ, लास्ट प्रकार ये हमारी सीमेंट का आखिरी टाइप है, ऑयल वेल सीमेंट। ये सीमेंट भी ओपीसी या पीपीसी सीमेंट हो सकती है। इसके अंदर कुछ ऐसा मिलाया जाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो ये सीमेंट ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इस सीमेंट को सबसे ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तेल के कुएँ होते हैं, यानी तेल के कुएँ बनाने के लिए इस सीमेंट को बेसिकली इस्तेमाल किया। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी आज सीमेंट के बारे में? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले समय में ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी सिविल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप उन्हें मिस ना कर पाएं। तो अपने दोस्त पवन यादव को इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।